हेलो एंड वेलकम टू केस किचन गार्डन। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं नींबू पानी की रेसिपी, लेकिन ये नींबू पानी जो नॉर्मल हम शिकंजी पीते हैं वो वाली नहीं है, ये मिंट वाला नींबू पानी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में शिकंजी या नींबू पानी बहुत ही पॉपुलर है। हर जगह आपको गर्मियों में नींबू पानी मिल जाएगा, बहुत सारे वेंडर्स बैठे होते हैं। और ये एक ऐसा ड्रिंक है जो कि बहुत ही नेचुरल चीज़ों से बना होता है और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट बूस्टर होता है, नेचुरल कूलेंट होता है और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया डिटॉक्स है और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो ईजिली अवेलेबल होते हैं हमारे ही घर में। चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो दो ग्लास शिकंजी बनाने के लिए हम लेंगे दो नींबू, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, इसको और मैं काटूंगी, आपको सिर्फ दिखाने के लिए बड़ा लिया है, एक कप भर के फ्रेश मिंट लीव्स, स्प्रिंकल करने के लिए थोड़ा सा काला नमक, चार चुटकी के आसपास सादा नमक और चार टेबलस्पून शुगर और थोड़ा सा जीरा और चार खड़ी काली मिर्च। अब जो ये सादा खड़ा मसाला है, जीरा और काली मिर्च, इसको हम एक प्लेन तवे पे गरम करेंगे। कोशिश करिएगा कि ये लोहे का तवा हो और उस पर हल्के हाथों से भूंजेंगे मीडियम आँच में। तो थोड़ी देर बाद ना ये अपने आप कलर चेंज होके थोड़ा थोड़ा फूलना स्टार्ट हो जाएगा जीरा, और कुछ देर बाद चटकने लगेगा यानी फूटना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ द टाइम जब हमको समझ जाना चाहिए कि जीरा और हमारा जो मसाला है वो भुन गया है। अब हम इसको किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद लेंगे एक ब्लेंडर का जार और उसमें हम डालेंगे हमारा पुदीना, अदरक, अदरक मैंने बहुत छोटा सा करके इसको छील लिया अच्छी तरीके से, वो डाला है, और हमारा जो भुना हुआ खड़ा मसाला है वो, चीनी, नमक और काला नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और नींबू निचोड़ लेंगे। यहाँ पे आपको नमक की क्वांटिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत नमकीन ना हो जाए कहीं। और दूसरी चीज़, अगर आप इसको डिटॉक्स के रूप में यूज़ करना चाहते हैं या वेट लॉस ड्रिंक के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो शुगर को रिप्लेस कर दीजिए हनी से। और फिर यहाँ पे मैं 5 से 6 क्यूब्स आइस के डाल रही हूँ, और क्योंकि मैं 2 ग्लास शिकंजी बनाना चाह रही हूँ तो मैं उसी क्वांटिटी में पानी डाल दूँगी। अब करना है इसको प्रॉपरली ब्लेंड और उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है किसी एक बड़े पतीले या किसी भी बड़े बर्तन में या जग में। अब क्योंकि मैंने पहले ही इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल के बनाया था तो इसको ऐसे भी पिया जा सकता है, बट आई वुड रिकमेंड अगर गर्मियों में आप इसको सर्व कर रहे हैं तो कुछ बर्फ़ के टुकड़े और डाल दीजिए और मज़ेदार बन जाएगा। या अगर आप तुरंत सर्व नहीं कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, बट जब आप इसको सर्व करें तो उस टाइम एक बार चम्मच से चला लें, क्योंकि जो पुदीने का सत्व होता है, मसाले हैं, वो सब हैवी होते हैं, वो एक टाइम के बाद नीचे बैठ जाते हैं। तो लीजिए, हमारी मिंट एंड लेमन की शिकंजी बिल्कुल रेडी है और देखिए कितना बढ़िया कलर आया। तो अगर आप इसको किसी समर ड्रिंक की तरह सर्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें आइस बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप इसको डिटॉक्स ड्रिंक या वेट लॉस ड्रिंक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मॉर्निंग में बिना आइस के लेंगे, दैट विल बी मच बेटर और आपके रिजल्ट्स भी आपको जल्दी मिलेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी को शेयर करूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड एज आई ऑलवेज से, स्प्रेड लव थ्रू कुकिंग। बोन अपेटिट।